केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को उपचार के तौर पर बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन धरातल पर शून्य ही नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि हम बात करते हैं मथुरा के जिला अस्पताल की, तो ये अस्पताल अधिकतर सुर्खियों में बना रहता है। गरीब लोग अपने उपचार कराने के लिए जिला अस्पताल में आते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में आकर दलालों के माध्यम से ठगी के शिकार हो जाते हैं। इन दलालों का अस्पताल के चिकित्सकों की साठगांठ से बोलबाला रहता है। ताजा मामला मंगलवार को देखने को मिला। मथुरा के मशहूर महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में गरिमा, जो कि फूल बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करती है, वे अपने पुत्र गौरव, पुत्र मुकेश निवासी लक्ष्मी नगर जमुना पार, जो कि हर्निया बीमारी से पीड़ित है, इसका ऑपरेशन होना था। सोमवार को ओपीडी के 2 नंबर वार्ड में मासूम गौरव को दिखाया गया, तो वहीं पर तैनात एक दलाल ने हर्निया के ऑपरेशन के लिए 8,000 की मांग की। पीड़ित मां ने 5,000 ऑपरेशन के नाम पर अज्ञात व्यक्ति को दे दिया, बच्चे का ऑपरेशन करा दिया, लेकिन ये रुपये देने की बात महिला ने अपने रिश्तेदारों से की, तो रिश्तेदारों के द्वारा जिला अस्पताल के CMS कार्यालय पहुंचे और अपनी उन्होंने शिकायत की। भनक लगते ही रुपए लेने वाले अज्ञात व्यक्ति मंगलवार को वार्ड में पहुंचा और 5,000 की धनराशि मरीज की मां के वापस फेंक कर मुंह पर मार दिए। मरीज के रिश्तेदार उस व्यक्ति का पीछा करते रहे, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए मासूम बच्चे की मां लक्ष्मी देवी ने बताया कि वह द्वारकाधीश मंदिर पर फूल माला बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है और उनके पुत्र को हर्निया की बीमारी है और वह ऑपरेशन कराने के लिए सोमवार को जिला अस्पताल में आई थी। वहां पर ऑपरेशन के नाम पर रुपए मांगे गए थे। तो वहीं मासूम पीड़ित की बहन सपना ने बताया कि 5,000 अपने हाथों से उस व्यक्ति को दिए, लेकिन मंगलवार को पैसे फेंक कर भाग निकला है। सपना कहाँ रहती है? पल्लीपा शांति आश्रम। तो ये बच्चा कौन है? मेरा भाई है। ऑपरेशन की बोली थी इसकी, तो ये पैसे मांगे थे उनने, तो बोला, हमने पूछा कितने लगेंगे, उनने मांगे थे 8,000। तो हाँ, 2 नंबर में दलाल वो भैया खड़े रहते हैं, तो हाँ, तो वो बोले कि 8,000 मत देना, 5,000 दे देना जब होगा तेरा ऑपरेशन, तो 3 दिन बाद आना। तो हम 3 दिन बाद गए थे, तो बोले पैसे लेके आना साथ, तो पहले पैसे दिए और जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। ऑपरेशन हो गया? हाँ हो गया। तो आपको ये पता नहीं सरकारी हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते? उनने पहले पैसे मांगे थे। हाँ, जो करे जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, जब पैसे मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, आज क्या हुआ? आज तो कुछ नहीं हुआ, आज पैसे फेंक के गए हैं भैया। तो आपने इसकी शिकायत करी थी किसी से? हाँ, भैयान से करी थी, एक भैयान से। अच्छा, बिक्की भाई। हाँ, बिक्की भैयान को जानते हैं। तो CMS आपके पास नहीं गई थी या? नहीं, उनके पास नहीं गए थे। लक्ष्मी जमुना पल्लीपाल। जमुना पल्लीपाल, ये कौन है? बेटा है। भर्ती कराया था कल, करा था। तो क्या परेशानी इसको? इसको हरानी आई थी, इसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होना था? हाँ। तो फिर क्या हुआ? पहले पैसे मांगे थे हमसे उस भैया ने। कौन भैया था? हाँ, जानते हैं हम। कहाँ रहता है वो? 2 नंबर में रहता है। 2 नंबर वार्ड में रहता है। हाँ। कितने पैसा मांगे? इस लाली ने दिए मेरी ने 5,000। उनने मांगे थे 8,000। 8,000 से फिर 5,000 रुपये आए थे। 5,000 दिए, 5,100 रुपये दिए थे हमने। हाँ, पैसे दे देंगे जब होगा ऑपरेशन। हाँ, हमारी लाली ने दिए पैसे। मैं तो फूल बेच के आई थी, डलिया पर से आई हूँ मैं, जब मेरी लाली ने दिए पैसे। अब वो पैसे ने पटक गया था मेरे भैया के सामने। मेरे जब ये मेरे भैया आए थे, मेरे भैया ने पूछा था, जब मैंने अपने भैया को भी बताया था, मैं भैया मैंने 5,100 रुपये दिए हैं उसको, तो तूने क्यों दिए थे 5,100 रुपये? मैं भैया, इन भैया को मेरे को पता है, मैं फूल बेचती हूँ, सवेरे जाती हूँ द्वारकाधीश पे, माला बेचती हूँ। ये तो हमको पता था, पर उसने मांगे थे, हमने अपने बच्चे के लिए करा था, अपने बच्चे के लिए हमने खां से जुगाड़ करी थी, बस फेंक के चला गया। अब आप थोड़ा सीएमएस से शिकायत करने जा रही हैं? हाँ।